अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे हबीब, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछे, इस जुमला में इतनी मोहब्बत है। हजरत इकरम शाह साहब के अल्फाज अपने जो शायद थोड़ी सी तमीज हो जाए उनसे, वो कहते हैं कि शहर में वो मिठास नहीं जो इन लफ्जों में मिठास है। और इदास अनकर इबादी अन्नी फइन्नी करीम, जब सवाल करें मेरे बंदे तुझसे, है मेरे हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे। ये भी तो कहा जा सकता था, ए हबीब, जब तेरे गुलाम तुझसे मेरे बारे में पूछे, ए हबीब, जब मुसलमान मेरे मुताबिक पूछे, जब ये इंसान, ये बंदे, बनी आदम मेरे बारे में पूछे, ऐसा नहीं कहा। मैं मेरे बंदे, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछे, तो कह देना करीब, मैं करीब हूँ, मैं दूर नहीं। क्या मोहब्बत है, क्या रहमत है। हुजूर के जरिया से कैसे हमें ये जुमला बताया जा रहा है। मुझे वो फारसी का वो शेर याद आ रहा है, या रब तो करीम व रसूल तो करीम, अल्लाह तू भी करीम है, तेरा हबीब भी करीम है, सब शुक्र के हस्तें मयाने दो करीम, सौ बार शुक्र कि हम दो करीमों के दरमियान हैं, हमारा मामला इन दो करीमों के पास है। अल्लाह भी करीम है, उसने हबीब को भी करीम बनाया है, और फिर कहा है जब पूछे ना तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में, तो मैं दूर नहीं, मैं करीब हूँ। इसको यूं भी बयान किया है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए मेरे हबीब, जब मेरे बंदे मेरा पता पूछने तेरी दहलीज पर आ जाए, जब मेरे बंदे मुझे तलाश करने, मुझे मिलने, मेरा पता पूछने के लिए तेरी दहलीज पर आ जाए, फिर मैं दूर थोड़ा हूं, फिर तो मैं करीब हूं। और इसी बात को ताजदार बरेली ने यूं बयान फरमाया, बाखुदा खुदा का यही है दर, तो खुदा की कसम, खुदा का दर यही है, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और किसी ने यूं भी कह दिया, हिक हे हिक हे हिक हे हिक हे, जेड़ा हिक नू दू कर जाने, काफिर ते मुशरिक हे। खुदा का यही दर है, खुदा यही से मिलेगा। इसीलिए तो फरमाया, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम, जब लोग अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो किधर जाए, कहां जाए, जा उनका सोने तेरे दर पर आ जाए, आपकी दहलीज में आ जाए। फरमाया, मेरे बंदे, ए हबीब, जब आपसे मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिए आप, मैं दूर नहीं हूं, मैं करीब हूं। उजीबु दाअी इज़ा दअा, जब मेरा बंदा दुआ करता है ना, तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। देखिए, हम जब किसी से मांगते हैं बहुत सोचना पड़ता है, जितनी ज्यादा गैरत हो उतना ज्यादा सोचना पड़ता है, मैं इससे मांग रहा हूँ कैसा लगेगा, साय बन रहा हूँ इसका, कहीं बुरा ना लगे, मेरे दिल में मेरे बारे में क्या सोचेगा। अच्छा, अगर बड़ा करीम हो, बड़ा मेहरबान हो, सराफा शफ़क़त हो, मोहब्बत हो, तो फिर हौसला बढ़ जाता है। हम कहते हैं, मांग लेते हैं, ना देगा भी तो धुतकारेगा नहीं, इंसल्ट नहीं करेगा, थोड़ी सी जुरत बन जाती है। अगर वो दे दे तो हौसला और बढ़ जाता है, अगर वो कह दे फिर आना तो दोबारा भी दे दूंगा तो और हौसला बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा भी हुआ है, बड़े बड़े सखियों के पास जब गए तो फिर उन्होंने कहा, यार तुम्हें इतना दिया है, तेरा भरता ही नहीं, तेरा मसला हल ही नहीं होता। और कभी ऐसा भी होता है कि साहब से अपना मसला लेकर आए तो
वाले से कह दिया जाता है अभी मुलाकात का वक्त नहीं है, तो टाइम थोड़ा है, तुम घर पर आ गए हो, घर पर कोई ना इस तरह के मामला होते, तुम दुकान पर आओ, बाजार में आना, मार्केट में आना, ऑफिस में आके मिलना, तुम्हारे मसले पर गौर किया जाएगा। लेकिन अल्लाह का दर वो दर है जितना ज्यादा मांगो उतना ज्यादा खुश होता है, जितनी बार मांगो हर बार अता फरमाता है, ना मांगे तो ना पसंद करता है, जितना ज्यादा मांगे उतना खुश होता है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि दोपहर को आना है, शाम को आना है, सुबह आना है, सारा दिन जब मर्जी आओ, फजर में आओ, जोहर में आओ, असर में आओ, मगरिब में आओ, ईशा में आओ, इन नमाजों के बीच में आओ, रात के पिछले पहर आओ, जब सब सो रहे होंगे बेशक तब भी आ जाओ, अगर ऐसे वक्त में आओगे तो और ज्यादा आता किया जाए। जब किसी से तुम मांग नहीं सकते कि हलन आएगा, वो कहते हैं अगर तुम ऐसे में आओगे ना तो तुम्हें मंजर वो मिलेगा कि मेरी रहमत खुद तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही होगी बंदे आ मांग मैं तुझे अता करूंगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, ये इबादत है, दुआ इबादत है। अब समझे सिर्फ नमाज दुआ, नमाज इबादत है, नमाज पढ़ी जल्दी जल्दी, दुआ को छोड़ा बस भागे निकलने को किया, सलाम तेरा भाग है। अच्छा हम सब दुआ लंबी मांग लेते हैं, दुआ में ज्यादा बाधा है, टाइम बड़ा कीमती है, इबादत हो गई नहीं। हुजूर फरमाते अद्दुआ हुवल इबादा, ये इबादत है। फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, इबादत का मगज है, दुआ इबादत का मगज है। जब मर्जी दुआ मांगो वो अता फरमाता है, जितना मांगो अता फरमाता है, जब उसने सब कुछ दे दिया फिर मांगो तो फिर भी अता फरमाता है। वो ये नहीं कहेगा बंदे तुझे तो बड़ा अमीर बना दिया था, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी थी, जो मांगा था वो नहीं, तो फिर भी मांग रहे। वो कहता बंदे फिर मांगना, फिर तुझे अता फरमाऊंगा। क्यों? इसलिए कि हम जो कुछ भी हो जाए बहरहाल उसके मोहताज हैं। इजहारे बंदगी दुआ मांगने में है, और जब जब दुआ मांगी वो कबूल फरमाता रहता है। ऐसा होता है हम दुआ मांगते हैं, करते हैं बड़े अरसे से दुआ मांग रहे हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही, उसकी भी वजूहात होती है। कभी ऐसा होता है दुआ रद्द नहीं होती, वो कबूल हो गई होती है लेकिन उसकी कबूलियत के इजहार का अभी वक्त नहीं आया होता। हम समझ रहे होते हैं शायद कबूल नहीं हो रही। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह के हुक्म से काबा शरीफ की तामीर की, आप हैं सात बेटे हैं सैयदना इस्माइल खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, काबा शरीफ की इमारत मुकम्मल हो गई अल्लाह के हुक्म पर, अमल हो गया, स्ट्रक्चर बिल्डिंग सारी मुकम्मल, जो हुक्म था उस पर अमल हो गया। जब काम मुकम्मल हो गया अब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह तेरे घर को बनाया, खिदमत की है, अब ये तेरी बारगाह में इल्तिजा है, ये दुआ कबूल फरमा है। उन दुआओं में सबसे अजीम दुआ वो क्या है? रब्बना व बअथ फीहिम रसूला, या अल्लाह इनमें मेरी औलाद में वो शान वाला रसूल भेज दे, नबी आखिर जमान, यानी हुजूर कुर्रुर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मांगा, नबी आखिर जमान के बारे में हुजूर के बारे में दुआ मांगी कि मेरी औलाद में वो आखिरी नबी जिनके बारे में सब नबियों से वादे किए गए हैं कि तुमने उनकी तायीद करनी है, उनकी नुसरत करनी, उन पर ईमान लाना, वो शानों वाला नबी इनमें भेज दे, दुआ मांगी। 100 साल गुजर गए, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल, हजारों साल बीत गए, और इन हजारों साल में कसीर अंबिया तशरीफ लाए, बनू इसराइल के सारे अंबिया तशरीफ लाए, जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इन सब से आखिर में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब उलमा यहां पर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, कहते हैं दुआ हजारों साल पहले मांगी थी लेकिन जो दुआ मांगी थी हर हर्फ कबूल हुई, और हुजूर कुर्रुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम की औलाद में ही तशरीफ लाए।
तो दुआ में ताखीर हो जाना इस बात की अलामत नहीं है कि दुआ रद्द कर दी गई है। बहुत सारी दुआएं ताखीर से कबूल होती हैं और वो जो ताखीर होती है हमारे एतबार से होती है, वगरना उनकी कबूलियत के इजहार का वही वक्त होता है जब हमें वो दुआ नजर आ रही होती। अच्छा फिर देखें, कुछ दुआएं अल्लाह को बड़ी पसंद आती हैं, अल्लाह को बड़ी महबूब होती हैं। उन दुआओं में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी है, रब्बना बबअथ फीहिम रसूला। उलमा फरमाते हैं कि हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बड़े सफर किए, इराक बाबल वहां से चले, कहां कहां गए और बड़े इलाकों में आपके सफर हैं, मक्का मुअज्जमा तक आए, मक्का मुअज्जमा का सफर भी कई बार किया, कई पत्थरों पर कयाम किया, कई पत्थरों पर रुकू और सुजूद किए, कई पत्थरों पर आप मुकीम रहे और सफर करते रहे, हजारों सैकड़ों लाखों पत्थरों के ऊपर से आप गुजर कर गए। किसी पत्थर को अल्लाह ने महफूज नहीं रखा, लेकिन जिस पत्थर पर खड़े होकर हुजूर को मांगा था उस पत्थर को मकाम इब्राहिम का नाम देकर हमेशा के लिए महफूज कर दिया और उसको ये एहसास बख्श दिया, ये शान दे दी कि ए हबीब आप कह दें अपने लोगों को, अपने गुलामों के, कि जब यहाँ पर आए गए तो इस पत्थर के करीब भी दो नफर पढ़ लिया करें। मकाने इब्राहिम को जाए नमाज बना लो, नमाज पढ़ने की जगह बना लो, इसलिए कि ये वो पत्थर है जिस पत्थर पर खड़े होकर रब से महबूब को मांगा गया। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए दिल में ये ख्याल नहीं लाना चाहिए पता नहीं कबूल हो या ना हो, चाहे तो जन्नत अता फरमा दे, चाहे तो ना अता फरमा, ऐसे नहीं दुआ मांगनी चाहिए। यकीन के साथ मांगना चाहिए, पूरे यकीन के साथ मांगना चाहिए और मजबूत दिल के साथ मांगना चाहिए कि ऐ अल्लाह अता फरमा, इस यकीन के साथ कि मेरा रब जरूर अता फरमाए। हम अपनी जरूरतों के लिए, अपने मामला के लिए बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, मशवरे भी लेते हैं और किसी से मदद भी मांगते हैं, मुआवनत भी लेते हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं मशवरा लो, ठीक है मशवरा लेना अच्छी बात है, सुन्नत भी है, हमें हुक्म भी है, लेकिन जिस बंदे के बारे में तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ये मसला हल कर देगा, उसके पास जाने से पहले उस बंदे के रब के पास तो जाओ ना, ताकि उसके दिल को सीधा कर दे। हम सबके पास चले जाते हैं, उसी के पास नहीं जाते। हदीस के एक बहुत बड़े उस्ताद हैं हजरत हसन बिन सुफयान रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़ा इल्म हदीस पर उनका काम है। आप कहते हैं तालिब इल्म का जमाना था, हम 9 साथी थे तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया खाने को कुछ मुयस्सर नहीं, फाकों पर फाके आ गए, 3 दिन भूख में गुजर गए, कुछ खाने को मुयस्सर नहीं। आखिर साथियों ने यह सोचा कि अब भूखे मरने से बेहतर है किसी से मांग कर खाना खा लिया जाए, कम से कम खाना तो खाया जाए, कुछ खाएंगे तो इल्म पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे फैलाएंगे, भूखे रहकर तो काम नहीं चलेगा। अब हर कोई कहने लगा यार ये मांगना बड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। उनका चलो ऐसा करते हैं पूरा ताजे निकाल दें, जिसके नाम का पूरा निकल आया वो मांग ले लोगों से जाकर, और खाना जितना हो सके मांग कर इकट्ठा ले, फिर सब मिल बैठ कर खा लेंगे। अब जब कुरान दाजी की गई तो नाम हजरत हसन बिन सुफयान का निकल आया, ये सबसे ज्यादा हैरतमंद है। अब कुरान निकल आया क्या करें, कहते वहां से उठते हैं और जाकर मस्जिद में 2 नफल नियत बांध ली और अल्लाह के हुजूर सजदे में जाकर कहा मौला तुझसे बड़ा सही तो कोई नहीं, राजिक तो तू है, खिलाने वाला तो तू है, अब तक मुझे पाला भी तूने, सब कुछ दिया भी तूने, तेरे होते किसी और के दर पे कैसे जाऊं। रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, सजदा तवील हो गया। एक शख्स आया, आकर मस्जिद में शोर मचाने लगा, हसन बिन सुफयान कौन है तुम्हें, हसन बिन सुफयान कौन है, मुझे हसन बिन सुफयान की तराश है। किसी ने कहा वो जो नमाज पढ़ रहा है यही हसन बिन सुफयान है। नमाज मुकम्मल हुई, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, कहा मुझे मिस्र के मौजूदा बादशाह अहमद अबुल अब्बास ने भेजा है
और उसने ये सोने की अशरफियां पेश की हैं, हुजूर कबूल फरमाए। 9 थैलियां हैं, पता चला है आपके 9 साथी हैं, ये 9 साथियों के लिए सोने की अशरफियां हैं। वो कहने लगे उसको कैसे पता चला? उसने कहा बात यह है कि बादशाह रात सो रहा था, ख्वाब में कोई घुड़सवार आया, हाथ में नेजा पकड़ा हुआ है। बादशाह को चढ़ोकर कहा तुम्हें पता नहीं हमारे दीन के 9 सिपाही मस्जिद में 3 दिन से भूख काट रहे, तू कैसा बादशाह है, तुझे खबर ही नहीं 3 पढ़ने वालों की 3 दिन से भूखे हैं। उसने मुझे ये 9 थैलियां देकर भेजा है और कहा अब तक का जो हुआ उसकी मुआफी दे, मैं खुद आपकी बारगाह में भी हाजिर हो जाऊंगा। हजरत हसन बिन सुफयान ने हमें बता दिया कि ठीक है अल्लाह अपने बंदों के पास भी भेजता है, हमारे बहुत सारे मामला बंदों के साथ होते हैं, असबाब के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन सब असबाब की रियायत से पहले मुसब्बिबुल असबाब की तरफ रुजू होना चाहिए। मैं मदीना तैयबा में था, अल्लाह करीम सबको बार बार ले जाए, वहां की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। एक किताब देखी बड़ी खूबसूरत लगी, डॉक्टर गुरैफी की। डॉक्टर गुरैफी बहुत बड़े लिखारी हैं अरब के, उनकी जो किताबें होती हैं उसके बहुत सारे एडिशन, लाखों की तादाद में किताबें प्रिंट होती है। किताब मैंने देखा लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। इत्तेफाक से वापसी जब हुई तो यहाँ पाकिस्तान में एक जगह मैंने देखा तो बड़ी मुनासिब की, तो वही किताब मिल रही थी, मैंने वो ले ली। उसमें एक बड़ा खूबसूरत वाक्य था, डॉक्टर रफी लिखते हैं कि मेरी मुलाकात है डॉक्टर अहमद के साथ, बराह रास्त या किसी के जरिए से। डॉक्टर अहमद जो थे ये रियाज के बहुत बड़े हड्डियों के डॉक्टर थे, बल्कि रियाज में सबसे बड़े हड्डियों के माहिर डॉक्टर इन्हीं को समझा था। कहते हैं कि किसी जगह मुझे बुलाया गया दावत पर किसी दूसरे शहर में, और मेरे एजाज में एक तकरीब रखी गई और मुझे बहुत बड़े एजाज से नवाजा जाना था, मुझे शील पेश की जानी थी, बहुत बड़ी असनाब दी जानी थी मेरी खिदमत के एतराफ में, और मेरे लिए बड़ा खास दिन था कि आज मुझे बहुत सारे एजाजात से नवाजा जाएगा, मेरी खिदमत का एतराफ किया जाएगा। कहते मैं सफर पर रवाना होता हूँ जहाज पर, जिस शहर में जाना है गालिब गुमान वो अलबाहा जाना चाहते थे या अबहा जाना चाहते थे, जहाज रास्ते में खराब हो गया, किसी और शहर में एयरपोर्ट पर उतर गया। ऐलान हुआ कल तक कोई और जहाज फिलहाल मुयस्सर नहीं है और कोई जहाज आ नहीं सकता, और जहाज में फनी खराबी ऐसी आ गई है जो फौरी तौर पर ठीक भी नहीं हो सकती। कितना बड़ा परेशान था, मैंने बड़ी आम तकरीब में जाना था, कई सालों से मैं इंतजार कर रहा हूँ ऐसी तकरीब का, अब मेरे हिसाब में इतनी बड़ी तकरीब रखी गई लेकिन मैं पहुंच नहीं सकता। एयरपोर्ट की इंतजामिया को अपना तारुफ करवाया, वो भी बड़े हैरान हुए, इतने बड़ा डॉक्टर है। वो कहते हैं कि अगर हम आपको गाड़ी दे सकते हैं, आप खुद ड्राइव करके अगर पहुंचना चाहें तो आप वहां जा सकते हैं, उससे पहले यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है कि आप खुद जा सकते। कहते मैंने गाड़ी ले ड्राइव कर सकता था, गाड़ी लिए सफर शुरू कर दिया, खुद गाड़ी चला रहे और जा रहे थे। अब सफर जारी और सारी है, रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हुई, तूफानी बारिश, इतना खतरनाक तूफानी माहौल बन गया कि गाड़ी ड्राइव करना नामुमकिन हो गया। अब करीब करीब कोई इलाका कोई बस्ती भी नजर नहीं आ रही, छोटी सी बस्ती नजर आई उस तरफ गाड़ी रोक ली, जान बचाने की गरज से एक घर के दरवाजे के पास जाके गाड़ी खड़ी कर दी। तेज बारिश है तूफानी, गाड़ी रोकी, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से किसी बूढ़ी अम्मा की नहीव सी आवाज आई जो भी हो अंदर आ जाओ। कहते मैं अंदर चला गया, एक बूढ़ी माई थी, उन्होंने कहा मैंने उसको कहा कि मैं अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करना चाहता हूँ। वो कहने लगी बेटे मोबाइल क्या होता है और ये बिजली क्या होती है, हमारे गांव में कोई बिजली नहीं है, मैं ऐसे शहरों में रह रहे हैं, अगर भूख लगी है तो वहां खाना पड़ा है खा लो, भूख तो शदीद थी। कहते खाना खाया, अम्मा जी के हाथ का खाना बड़ा लजीज था, मशरूबात भी पिलाए। बाद में जब माहौल बेहतर हुआ, मौसम साजगार हुआ, तो एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने देखा वो माँ बच्चे को प्यार भी करती है, लंबी दुआएं मांग रही है, दुआएं मांगी जा रही है, मांगी जा रही है, मांगी जा रही है, उसकी दुआएं खत्म नहीं हो रही।
मैंने कहा माँ जी बड़ी दुआएं मांगते हैं आप, दुआएं कबूल भी होती हैं? उन्होंने बेटे जितनी भी दुआएं मांगी हैं मेरे रब ने सारी कबूल की। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ मैंने कोई दुआ मांगी हो मेरे रब ने कबूल लगी हो, सारी दुआएं कबूल हुई, बस मेरी एक दुआ कबूल नहीं हो रही। एक दुआ कबूल नहीं हो रही, तू मुसाफिर है, तू भी दुआ कर दे, शायद मुझसे मांगने में खता है, शायद मेरा कोई बुरा अमल सामने आ गया जो मेरी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमा रहा। अम्मा जी वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही, मैं भी दुआ करता हूँ। कहती है मेरा यतीम पोता है, बाप इसका फौत हो गया है, मेरे सिवा इसका कोई निगहदाश्त करने वाला नहीं है, मैं बुढ़ापे में हूँ, ये चलने फिरने से आजिज है, बड़े इलाके के तबीबों से हकीमों से इलाज करवाया, इलाज नहीं हो रहा। वो जिस डॉक्टर का नाम लेते हैं वो डॉक्टर बड़ा महंगा है, जहां पर वो डॉक्टर रहता है मैं वहां तक जा भी नहीं सकती, मैं रब से दुआ मांगती हूँ या अल्लाह मुझे उस डॉक्टर के पास पहुंचा दे ताकि यतीम होते का इलाज करवा सकूं। डॉक्टर ने कहा बताएं तो सही, शायद मैं उस तक कोई जान पहचान निकालूं। कहने लगी सुना है रियाद में रहता है हड्डियों का डॉक्टर है, नाम उसका अहमद है। डॉक्टर अहमद कहने लगे मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने कहा माँ वो जहाज मेरा यूं ही नहीं खराब हो गया, ये रास्ते में तूफान ऐसे ही नहीं आया, ये रब ने जहाज को रोका है, तूफान को भेजा है, बारिश को भेजा है, मेरी गाड़ी को तेरी दहलीज तक पहुंचाया है और बता दिया है मेरी बंदी तू दुआएं मांगती है तुझे उस तक पहुंचाऊं, देख मैंने डॉक्टर अहमद को तेरे दरवाजे पे पहुंचा दिया। जी उतर उतर दराई के जाता है मांग तो सही, हमने लोगों से सहारे ले लिए, लोगों पर एतमाद कर लिया, ये बड़ा बहुत बड़ा सेठ है, ये बड़ा कसर रसूख वाला है, बड़ा ताकतवर है, कभी दो नफर पढ़ के रब से नहीं मांगा, जिसको मिला है उसी ने दिया है ना, उसी ने तो अता फरमाया है। अल्लाह पर हजरत बायजीद बुस्तानी का वो वाकया आपको यकीनन याद होगा, आपने सुना होगा। कहते 7 साल मैं जंगलों में रहा, इबादत करता रहा, रब की कुर्ब का हां हां रहा, तलाश करता रहा रब की तलाश। 7 साल बाद एक बार चलता चलता बुस्तान से गुजर रहा था, ख्याल आया आज माँ को मिलकर जाऊं, माँ के दरवाजे पे आया, रात का वक्त था, मैंने कहा रात है, इतने अरसे से मिला नहीं, खिदमत तो पहले भी नहीं मैं कर रहा, खिदमत से मालूम हूँ, अब माँ सो रही होगी उसको तकलीफ पहुंचाऊंगा, मुनासिब नहीं, माँ उठेंगी तो फिर मिल लूंगा। दरवाजे के बाहर बैठ गए, माँ के जागने का इंतजार करते रहे, सहरी का वक्त आया, पानी बाहर निकला नाली से, पानी गिरा, कहते मैं समझ गया अम्मा जान तहज्जुद की अदायगी के लिए जाग गई हैं। कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अभी बोला नहीं, अंदर से आवाज आई बेटा बायजीद तू ही है ना। अल्लाह हू अकबर, ये माओं को बेटों के चलने के स्टाइल से पता चल जाता है, दस्तक के अंदाज से पता चल जाता है, खांसने के अंदाज से पता चल जाता है, आवाज सुनकर माँ पहचान जाती है ये मेरा बेटा है। 7 साल बाद दस्तक दी थी, माँ ने पहचान लिया, दरवाजा खोला, मेरी हालत पर निगाह दौड़ाई और सहरी के वक्त हाथ उठाकर कहा मौला मेरे बेटे को अपना कुर्ब अता कर दे। बायजीद कहते हैं 7 साल के सजदों में वो नहीं मिला जो माँ की एक दुआ में मिल गया। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं किसी भी वक्त दुआ मांगी कबूल होती है लेकिन सहरी की दुआ रद्द नहीं होती। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगण वाले कारण खुला है दरवाजा। रात के पिछले पहर रब की रहमत आवाजें दे रही थी, हमारी नींद खराब हो रही हो, नींद आ रही हो, फेसबुक खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, चना खुद को थोड़ा सा मसरूफ करते हैं, इधर उधर की चीजें देख लें, कुरान भी तो खोल सकते हैं ना, रब की बारगाह में इंतजार भी तो कर सकते हैं ना। वो लोग भी तो थे ना जिनके पास ये सब कुछ नहीं था। मुझे किसी ने मैसेज भेजा, बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, कि बच्चे ने कहा दादा जान आपके दौर पे ना वाईफाई था, ना मोबाइल था, ना ये सारी चीजें थी, ना एप्लीकेशंस थी, तो आप कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो दादा जान कह रहे कि बेटा मुझे तो तुम पर हैरानी हो रही है, आज के बच्चों पर हैरानी हो रही है, ना नमाज है, ना कुरान है, ना तहज्जुद है, ना कयामुल लैल है,
और नबात मुस्तफा है, कैसी जिंदगी गुजर रही है तुम्हारी, हैरान कर जिंदगी तो ये है। चाहिए तो ये था कि रात को जिक्र करते करते सोते, सुबह जिक्र करते करते जागते। वो बड़ा खूबसूरत कलाम है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। रातें दो लोगों की थी, सो रहे हैं तो भी जिक्र मुस्तफा हो रहा है, जाग रहे हैं तो जिक्र मुस्तफा हो रहा है। अच्छा, रात के पिछले पहर कहीं आंख खुलती है, थोड़ा सा हिले, तब भी जिक्र खुदा हो रहा है या जिक्र मुस्तफा हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है या उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। दुआएं कीजिए, दुआएं लीजिए, दुआएं करनी भी चाहिए, दुआएं लेनी भी चाहिए, और दिल से निकली हुई दुआएं रद्द नहीं होती। हम कहते हैं ना दुआओं का मेरे लिए दुआ कर दीजिए, जरूर कहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसा तर्ज अमल अच्छा किसी के साथ हो जाता है, खूब बखूब उसके दिल से दुआ निकल जाता है, और ये दिल से निकली हुई दुआ बड़ी तीर वादक अपने मकाम के साथ पहुंचती है, और जिसके लिए मांगी जाती है उसको अता कर दिया जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने की तरतीब फरमाई, हर चीज मांगने की तरतीब फरमाई। हम सोचते हैं कि ये मसला इसके मुतालिक है, लिहाजा इससे नहीं कहना, उसको कहना। अब ये बंदा है बड़े काम वाला, कभी से काम पड़ा तो बड़ा काम कहेंगे, छोटा काम नहीं कहना। हुजूर फरमाते हैं बड़े से बड़ा काम है वो भी रब से कहो, छोटे से छोटा काम है वो भी रब से कहो, जूती का तस्मा मांगना है वो भी रब से मांगो। वो ये नहीं कहता इतना बड़ा खुदा तू छोटी चीज मांग रहा है, अरे बंदे तू बड़ी से बड़ी जो भी चीज मांग लेगा उसके सामने बहुत छोटी है। कुल मताउद दुनिया करीम, इस सारी दुनिया और दुनिया का माल और मता अल्लाह के सामने बहुत करीब है, जो मांगोगे अल्लाह अता फरमाएगा। बस मांगने के आदाब होने चाहिए, सलीका होना चाहिए। दुआ मांगने से पहले हुजूर ने तरबियत फरमाई, अहदीस की डिटेल में नहीं जाता, बस थोड़ा सा तरबियत फरमाई, फरमाए जल्दी ना करो दुआ मांगने में, पहले रब की हम्द और सना करो, उसकी शान बयान करो। जल्दी मांगी थी ना किसी ने दुआ, पहले रब की हम्द और सना बयान करो जो उसकी शान निशान है, फिर मेरी साथ में दुरूद और सलाम पढ़ो, फिर रब से मांगो। और जब ऐसे किया, रब की हम्द और सना की, दुरूद शरीफ पढ़ा, तो मेरे आका ने फरमाया अब मांग जो मांगेगा रब अता फरमाएगा। तो हमारे बुजुर्गों ने यह उसूल बयान कर दिया, फरमाया कि देखो दुरूद शरीफ एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। अच्छा, ये भी ज़हन में रखिए कि ये भी दुआ है, ये भी दुआ है। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह अपने हबीब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज, اللهم صل ऐ अल्लाह दुरूद भेज, वसल्लम और सलाम भेज। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, या हम कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल आप पर दुरूद और सलाम हो, तो ये दुआ है, ये भी दुआ है, और ये वो दुआ है जो रद्द नहीं है, ये दुआ रद्द नहीं है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं चूंकि दुरूद शरीफ रद्द नहीं है, ये हर हाल में कबूल है, इसलिए जब अल्लाह से कुछ मांगना हो तो पहले दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाह की हम्द और सना करो, दुरूद शरीफ पढ़ लो, और फिर खूब मांगो, खूब मांगो, खूब मांगो, जो मांगना है मांगो, मांग लेने के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ लो, आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ लो। दुरूद शरीफ तो रद्द नहीं है, शुरू में भी दुरूद शरीफ है, आखिर में भी दुरूद शरीफ है। जो रद्द नहीं होगा, तो जब अव्वल आखिर रद्द नहीं होगा तो दरमियान वाला भी रद्द नहीं होगा। जब दुरूद और सलाम कबूल हो रहा होगा तो दुरूद और सलाम के बीच में जो होगा अल्लाह उसको भी कबूल फरमा लेगा। हजरत इब्राहिम किरमानी अब्दाल में से बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, आप तशरीफ ले जा रहे थे, किसी ने रास्ता रोक लिया और कहा हजरत मैं बड़ी दुआ मांगी, बड़ी दुआ की, बड़ी दुआ की,
قبول ہی نہیں ہوتی. آپ فرمانے لگے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں, کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رب ہے, لیکن اس کا حکم نہیں مانتے, اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے, حضرت ابراہیم کرمانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے, آقا آپ سے پیار ہے, جامع فرمانا غلامی رسول میں بہت قبول ہے, جو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. ہم کہتے ہیں حضور آپ سے محبت ہے, لیکن حضور کی اطاعت نہیں کرتے, فرما برداری نہیں کرتے. یاد رکھیں جس محبت میں اطاعت نہیں کرنا وہ قبول نہیں ہے, وہ قبول نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پیغام بھیجا, بڑی مشہور حدیث ہے, پیغام بھیجا کہ آپ نے صبح جہاد پر قافلہ جا رہا, آپ اس کے ساتھ فجر کے وقت قافلہ نکلے گا تو آپ نے بھی جانا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ صبح تو جمعہ ہے, قافلہ کے ساتھ گیا تو جمعہ میرا راستے میں کہیں ہوگا, اور حضور کی بارگاہ میں جمعہ پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو جاؤں گا. تو اگر ایسا ہو قافلہ صبح چلا جائے, میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں, میری سواری بہت اچھی ہے, تیز سواری پڑھاؤں گا اور قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا, جہاد پہ بھی پہنچ جاؤں گا, جمعہ بھی ہو جائے گا اور حضور کی زیارت بھی ہو جائے گی. کہتے میں جمعہ کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کریم آقا نے کہا عبداللہ بن رواحہ تو میں نے جہاد پر جانے کے لیے کہا تھا, فجر کے قافلہ کے ساتھ جانے کو, عرض کی حضور بس میں ابھی جا رہا ہوں, صبح نہیں گئے. حضور اس لیے نہیں کیا تاکہ جمعہ کی سعادت آپ کے پیچھے حاصل کر لوں. حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ صبح جانے والوں کو جو ثواب ملا ہے نا, اگر تو ساری روم زمین کا سونا بھی صدقہ کر دے تو وہ ثواب نہیں ملے گا, وہ ثواب نہیں پا سکے گا, اس لیے کہ انہوں نے میری اطاعت کی ہے, میری فرما برداری کی ہے, اور تو نے فرما برداری نہیں کی, اگرچہ محبت میں کیا ہے لیکن میری اطاعت نہیں کی. حضرت ابراہیم کہتے ہیں دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی, ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی اطاعت نہیں کرتے. ہمیں پتا ہے قرآن لا ریب ہے, سچ ہے, جو کہا گیا ٹھیک ہے, لیکن قرآن پر ہم عمل نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں جنت سے بڑی محبت ہے, جنت میں جانے کی تڑپ ہے, خواہش ہے, لیکن جو راستہ جنت تک لے جا رہا ہے اس راستے پر سفر نہیں کرتے, دوزخ سے ڈرتے ہیں, دوزخ میں جانا نہیں چاہتے, لیکن جو راستہ دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے اسی پر گامزن ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا دیکھو دولت کی محبت ہے, مال کما رہے ہیں, لیکن یہ فکر نہیں ہے اس کا کل حساب بھی دینا ہے, یہ فکر نہیں ہے. دوسرے بھائیوں کے عیبوں پر نظر ہے, اپنے عیبوں کی کوئی پرواہ نہیں, دوسرے کی آنکھ کا بال بھی ہمیں نظر آتا ہے, اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا. فرمایا دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ دوسروں کے عیبوں پر نظر ہے, اپنے عیبوں پر توجہ نہیں ہے. دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنازے پڑھتے ہیں, کندھا دیتے ہیں, شریک ہوتے ہیں تقاریب میں, لیکن سمجھتے ہیں کہ بس اسی نے مرنا تھا, مر گیا, ہم نے تو نہیں مرنا, اپنی موت کو بھول جاتی ہے. وے بلیا سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی گور, ہم نہیں مرے کہ بس اس کی آئی تھی وہ موت ہو گیا. روز ہم اعلان سنتے ہیں, رات ایک روڑی اعلان سنیے فلاں کا بیٹا فلاں کا بھائی انتقال کر گیا, ہمیں حیرت تعجب ہوتا ہے, وہ تو بڑا اچھا بھلا تھا, لیکن پھر سوچتے ہیں ہاں اس کا ٹائم آیا, اپنی کوئی پرواہ نہیں. فرما دعا اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی. میں قبریں کھودتے ہو اور قبروں کی کھدائی والوں کو پیسے بھی دیتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, لیکن خود اونچے محلوں اونچی عمارتوں کے تصورات میں ہی رہتے ہو, اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی.
अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। रिश्ते हराम पेट में हो तब भी दुआ कबूल नहीं करता। हुजूर की सही हदीस है, फरमाया दुआ इसलिए नहीं कबूल हो रही, जो खाया वो भी हराम, जो पहना वो भी हराम, तो दुआ कैसे कबूल हो? जितने मर्जी आप बुलंद कर ले दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर। आखिरत का मामला बड़ा सख्त मामला है। ये वो मामला है माजरत के साथ, हमारे यहाँ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बस बस एक बार सुभान अल्लाह कहते बस बख्शिश हो गई, हाथ बुलंद करके मेरे साथ मिलकर शेर पढ़ ले बस यही काफी बख्शिश दे रही। मेरे आका की शान है बशीर व नज़ीर, हुजूर बशारत भी देने आए हैं, खुशखबरियां भी सुनाने आए हैं, लेकिन डराने भी आए हैं। हुजूर ने डराया भी है कब्र की वहशतों से, महशर के मैदान से। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कब्र पर बैठे हुए ज़ार और क़तार रो रहे हैं, रीश मुबारक आंसू से भीगी हुई है, रोए जा रहे हैं। किसने कहा हुजूर किसकी कब्र है? पता नहीं किसकी कब्र है, समझा को कोई अजीज की कब्र होगी, उसकी फौतीत की वजह से रो रहे, पता नहीं किसकी कब्र है। फरमाया हजरत आप क्यों रो रहे हैं यहाँ पर? हम तो समझे थे आपकी किसी प्यारे की कब्र है जो आप रो रहे हैं उसके विसाल के गम में। कहा नहीं, मैं नहीं जानता इसको, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये कब्र है और मैंने रसूलुल्लाह का ये इरशाद सुना है कि मरने के बाद सबसे मुश्किल मरहला कब्र का है। जो यहाँ से बच गया आगे भी बच जाएगा, जो यहाँ फंस गया आगे भी फंस जाएगा। इसलिए हुजूर ने ये दुआ पसंद की है कि आखिरत अच्छी हो जाए, अंजाम अच्छा हो जाए। मेरे आका की बड़ी पसंदीदा दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया की भी खैर है इस दुआ में, आखिरत की भी खैर है, अजाब कब्र से भी बचते हैं। हुजूर ने बड़ा पसंद किया इसको। मैं मदीना तय्यबा में था, रोज़ा रसूल पाक के बिल्कुल सामने जो बरामदा है वहाँ पे छतरियों से पहले बैठा, वहाँ से खुशाक लोग बैठते हैं तो खुशाक के पास बैठने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे कोई अच्छी बात मिल जाए। अब वहाँ मैं बैठा हुआ था सुतून के साथ टेक लगा कर, और एक बुजुर्ग आए, बड़ी खूबसूरत चेहरा, पुरानी चेहरा, सफेद दाढ़ी, मुझे उनकी निगाहों से पता चला, निगाहों के ताकुब से, कि वो कुरान मजीद तलाश कर रहे हैं, उनको कुरान मजीद चाहिए। और मैं जिस सुतून के साथ टेक लगा के बैठा था उस सुतून के ऊपर वो शेल्फ बना हुआ था जहाँ पे कुरान मजीद पड़े हुए थे और कुरान मजीद की रेल वगैरह भी उधर पड़ी हुई थी। तो जब वो मेरे करीब आए कुरान मजीद पकड़ने के लिए झुकना चाहते थे, तो मुझे पता था उनको दिक्कत होगी झुक कर आगे पकड़ने के लिए, मैंने जल्दी से कुरान मजीद भी पकड़ा और रेल भी पकड़ी, उनको पेश कर दी। जब मैंने उनके आज सामने ऐसे की तो मित्र तवज्जो से देखने लगे, कहाँ से आए, खड़े खड़े पूछे कहाँ से आए, मेरे फैसलाबाद से। मुफ्ती मीन साहब हूँ सियाण दें कि भी आदर्श साहब भाई आप थे, मुफ्ती मीन साहब सियाण दें कि जी मैं जानता हूँ, कि मैं सियाण दें मैं वो मेरे फूफा जान हैं, वो वहीं पर मेरे पास बैठते हैं, मैंने अपनी जगह छोड़ी उनको टेक वाली जगह दी, बड़ा खूबसूरत चेहरा था, अब भी चेहरा यार सरवर साहब का नाम है, इंग्लैंड के रहने वाले थे। अच्छा वो बातें करने लगे, वो नेशनल टीम के पास इंग्लैंड के, वैसे वो कोटली शरीफ के रहने वाले थे, वो बड़े हजरत जो किबला मुफ्ती साहब के पीरो मुर्शिद ख्वाजा सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला, उनके बारे में मुझे बताने लगे कि मैं उनका खादिम खास हूँ। वो उस वक्त ख्वाजा साहब का विसाल हो चुका था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, कहते मैं उनका खादिम खास था। आखिरी अय्याम जो थे ख्वाजा सादिक साहब के, उन अय्याम में मैं उनकी खिदमत पर मामूर था, उनकी बारगाह में रहा करता था। मैंने कहा चलो फिर हजरत की कोई बातें सुनाए, आज तो कर्म बालाए कर्म हो गया, हुजूर की दहलीज पर बैठ के आप जैसे बुजुर्गों की ज्यारत हो गई, मुझे हजरत की बातें सुनाए। अच्छा ख्वाजा साहब की मैंने ज्यारत की है बचपन में, लेकिन एक कलमे मोहब्बत बहुत ज्यादा बड़ी दिल से माती और बड़ी सहारंगेज शख्सियत थी, बड़े बड़े पाकिस्तान में उलमा हैं, औलिया किराम हैं, लेकिन औलिया में जो मकाम ख्वाजा सादिक साहब का, वो एक मुनफरद मकाम है, बहुत अजीम शख्सियत है। अल्लाह हमें उनकी फिजूल बरकात से हिस्सा नसीब फरमाए। अच्छा हम हजरत की बातें सुनाते रहे, बस एक बात आपको सुनाते, कहने लगे कि लोग दुआ के लिए आया करते थे। अच्छा हजरत की बारगाह में बहुत लोग आते थे दुआ के लिए, मुलाकात तो नहीं होती थी, बाहर से मैसेज आ जाता, कोई कहता जी मेरे लिए ये दुआ कर दे, कोई कहता ये दुआ कर दे, आपको मैसेज पहुंचता आप हाथ उठाते फौरन दुआ कर देते।
मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन जो उसने दुआ करी फौरन उसके लिए दुआ कर देते, उसको मैसेज मिल जाता कि आपके लिए हजरत ने दुआ कर दी है। कहते एक बार ऐसा हुआ, मामूली से हटकर मामला हुआ, एक बंदा आया, आकर कहने लगा, हजरत मैं अपनी आखिरत के मामले में बड़ा फिक्रमंद हूं, मेरी मौत ईमान पर हो जाए, खातिमा बिल खैर हो जाए, बड़ा डर रहा हूं, हजरत मेरा ये डर दूर नहीं हो रहा, मेरे लिए ये दुआ तो करें, मेरे दिल का ये खौफ निकल जाए। और ये खौफ सहाबा इकराम को भी था कि बाहर सहाबा इकराम सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए एक दरख्त की छांव में, ऊपर एक परिंदा उड़ रहा है और चूंच मारकर कुछ खा रहा है दरख्त से, उसको देखा ठंडी आह भर के कहा, हाय अबू बकर काश तो ये परिंदा होता, परिंदा होता ऐसे इधर उधर उड़ता चुपता खाता मर जाता और तुझे कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर ना होना पड़ता, अल्लाह के हुजूर हाजिर ना होना पड़ता। अल्लाह हजरत मैं बहुत डर रहा हूँ, दुआ करें, अपनी आखिरत की बड़ी फिक्र है। मामूल ये था, मैसेज आया, दुआ कर दी, मामूल यही था। वो मुझे बाबा जी सरवर साहब बताने लगे, जब उसका पैगाम आया हजरत ने ठंडी आह भरी, जाओ उसको जाके कहो मैं भी इसी फिक्र में डूबा हूं, मुझे भी यही डर है, ये मैंने अपने कानों से सुना ये बात, इसी फिक्र में मैं भी घुल रहा हूं, आखिरत कैसी होगी, अंजाम कैसा होगा, ये है अल्लाह वाले, ये है दुर्वेश लोग, ये है वो जिनकी बारगाह में हाजिर होना भी अल्लाह को पसंद है और जिनकी बारगाह में हाजिर होकर दुआ मांगे तो दुआएं कबूल होती है, जहां नुज़ूल रहमत हो वहां दुआएं कबूल होती है। हजरत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की यहां औलाद नहीं थी, आप हुजरा बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा में गए तो वहां पर फल देखे, जो मौसम के नहीं था, आउट ऑफ सीजन फल थे, अब उस दौर में फ्रीज तो नहीं किए जाते थे ना, स्टोर तो नहीं किए जाते थे, ताजा फल मौसम का ही होता था, तो आपने कहा ये मौसम फल कहां से आ गए, अन्ना लकीम अन्ना, ये कहां से आ गए, قالت هو من عند الله, कहा ये रब ने भेजे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने भी मौसम फल भेज दिए। आपने जब उलमा फरमाते आपने वहां नुज़ूल रहमत देखी, ये रब की रहमतें नाजिल हो रही हैं, हुनालिका दुआ ज़करिया रब, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं खड़े होकर दुआ मांगी, इसी समय पर अगली आयत में इरशाद है अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा के बेटा अता फरमा दिया। तो जहां नुज़ूल रहमत हो, जहां नुज़ूल रहमत हो वहां दुआ मांगनी चाहिए, जहां अल्लाह वाले हो, जहां कुरान पढ़ा जाता हो, जहां अल्लाह वालों के मज़ारात हो, अल्लाह वालों की खानकाहें हो और قال الله وقال رسول बताया जा रहा हो, नुज़ूल रहमत का मकाम होता है, दुआएं मांगे तो कबूल होती। अल्लाह अकबर, तो ये वो बुजुर्ग हैं जिनकी बारगाह में जाकर लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह अपने प्यारों के सदके दुआ कबूल फरमा, और अल्लाह कबूल फरमाता है। हजारों लोग हैं जो सुनाते हैं, हम गुलहार शरीफ गए, ये दुआ मांगी कबूल हुई, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन बुजुर्गों की आरजी देखिए, मैं खुद इसी डर में इसी गम में मुबतला हूँ। अल्लाह ताला हमें फिक्र आखिरत नसीब फरमाए, दुआएं मांगे, दुआएं करवाएं, दुआएं लें, सबसे दुआएं लें, औलिया से दुआएं लें, बुजुर्गों से दुआएं लें, लेकिन सबसे बढ़कर जिसकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है वो मेरे और आपके लजपाला का है। उलमा फरमाते हैं बस हुजूर की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ो, सरकार की बारगाह में अर्ज करते रहो, दुरूद व सलाम की कजरे पेश करते रहो, वइदा हयितुम बितहियतिन फहयू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। इस आयत से उलमा ने यह साबित किया है कि जब तुम हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हो, सरकार तुम्हारे हक में दुआ करते हैं, तुम्हारे हक में दुआ करते हैं, और हुजूर की दुआ मामूली दुआ नहीं है। दुआए मुस्तफा के बारे में सैयद आला हजरत ने क्या खूब कहा, बस तीन शेरों में पढ़ के गुफ्तगू को खत्म करता हूं। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत कबूलियत का सेहरा इनायत का जोड़ा पहनकर दुल्हन की तरह हुजूर की दुआ जाती है।
इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, पढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ रद्द नहीं होती, इजाबत खुद झुक कर हुजूर की दुआ को गले से लगाती है। जब दुआए मुस्तफा का आलम ये है, ए रजा अब घबराना किस बात का, जब हुजूर ने कह दिया कि मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगेगी तो मैं झोली फैला दूंगा, मैं अर्ज करूंगा रब्बे सल्लिम, दुआ मांगूंगा मेरे रब सलामती से पार लगा दे, रजा घबराना किस बात का, झूमता हुआ तो जन्नत की तरफ गामजन हो जाना। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। रजा पुल से अब वजब करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजब करते गुजरिए, के है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाह। अच्छा, मैंने फिर किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन बुजुर्गों से सुना है सदरी रिवायत कि ये कलाम एक महफिल में पढ़ा जा रहा था, इकबाल वहां पर बैठे थे, उन्होंने सुना, कहने लगे इतना खूबसूरत कलाम, ज़ाहिर इज्जत और एतमाद मोहम्मद, कि है अर्श हक ज़ेर इत्माए मोहम्मद, मकाम अर्श उनका फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराए मोहम्मद, गमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। किसका कलाम है? जो ये बरेली की अहमद रजा का कलाम है। इकबाल ने दो शेर पढ़े इसी मतलब का, ये दो शेर भी इसमें शामिल कर दे, एक जन्नत के बारे में, एक दोज़ख के बारे में। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। तमाशा तो देखो के दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि।